वो दो जन पकड़ रहे ना तो इसके लिए वो भी ले। तो बांधना चाहिए था। अरे माँ कसम। इधर बांध दो ना एक बार। बगर कान पे कंट्रोल ही नहीं है। पूरा धुआं उड़ा रहा है। बगर कान पे खुला पकड़ सकता हूँ। अब नहीं जाए। नहीं ना। हाय एवरीवन, दिस इज पुरकान एंड यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, राइट नाउ मैं हूँ भिवंडी में, रोलेक्स होटल के पीछे हूँ, एपेक्स गोट में हूँ। तो ये जो आप बकरा देख रहे हो माशाल्लाह, इनको कुर्बानी का पर्सनल बकरा है, नॉट फॉर सेल के लिए। छोड़ दो भाई, इसको मारेगा नहीं, रस्सी पकड़ के रख दो ना। हाँ चलेगा चलेगा। छोड़ दो भाई, अभी अकेले की बस की बात ही नहीं है। भाई जान माशाल्लाह, बाहर निकालने के बाद अलग ही रुआ है यार। भाई वो बाहर निकालने जैसा ही नहीं है। एक बार राउंड मारता हूं उसको। माशाल्लाह यार, बकरा है यार, बहुत जबरदस्त बकरा है माशाल्लाह। चीज है बाकी, इसकी अगर कुछ अच्छी ऑफर लगेंगी तो देंगे। नहीं भाई, जब कुर्बानी की नियत से रख लिया हो तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट टाइम पे भी मुझे लोगों ने अच्छे अच्छे ऑफर किए थे, लेकिन मैंने दिया नहीं। अच्छा, अब फिगर नहीं बताऊं। आपके पास आया था तो क्या डिटेल्स बताइए। चलो 40 किलो आपने बताए, ये भी वही 10 से 11 महीने बगैर दांत पे आया हुआ था भाई। और मतलब 35 से 38 किलो पे था। हाइट हाइट इसका उस टाइम पे 32-34 था। अरे माशाल्लाह, हाइट लिया यार। कुछ मेरे को एक बात बताओ भाई जान, आपने क्या क्या खिलाया, इतनी हाइट हो गई यार। 40 की हाइट हो भी बॉम्बे में नहीं होती, गांव से आती है तो जाके आप यकीन। एक्चुअली कैसा है कि बस ये नॉर्मल खाने के ऊपर ही अपने मुंह से ही खा रहा है। अच्छा, लेकिन अल्लाह करम है कि अपन ने उतनी मेहनत की है और उसके अंदर क्या दिया है, कुछ इंजेक्शन खाने में कुछ और कुछ नहीं भाई। तो क्या क्या खिला रहे? डीवॉर्मिंग और इसके जितने रूटिंग पे जो आते हैं वही सब दिया और कुछ भी नहीं। खिलाने के मामले में कैल्शियम जेल, कैल्शियम वैल्शियम अपना तो चलता ही रहता, प्रॉपर कैल्शियम सुबह हो गया और शाम में लिवर टॉनिक। अच्छा, बस। और खाने के मामले गेहूं वगैरह? गेहूं मतलब एक टाइम पे मकई, गेहूं और वो सोयाबीन है। अच्छा, और एक टाइम पे मिक्स फीड आता है पाउडर में। अच्छा, वो सब चना चुनी उसके अंदर मिक्स रहता है, वही देता हूं। अच्छा लगा, क्योंकि 40 की हाइट का बकरा है ना बॉम्बे में। भाई कैसा है ना कि परचेसिंग में क्वालिटी देख के करता हूं। अच्छा, उसमें फिर ये रेट का मैं अमाउंट नहीं देखता। अच्छा, वो क्वालिटी वैसी देखा है उसके लिए मैंने उसको परचेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी के ऊपर उतरा है, खरा उतरा है। अच्छा, तो आपको उसके ऊपर बहुत पैसे आ रहे हैं? पैसे आते थे। अच्छा, लोग लगाते हैं कि सामने से बोलते हैं भाई मैं इतना दे दूंगा, मैं उतना दे दूंगा, लेकिन अपने को फिगर नहीं देखना रहता। जब एक बार नियत कर लिया कुर्बानी की, क्योंकि 40 की हाइट का ना बॉम्बे में जल्दी होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है, किसी के पास हो जाता है। क्योंकि और माशाल्लाह आपने सींग भी इतने संभाल के रखे हो, बहुत बड़ी बात है। एग्रेसिव तो बहुत रहेगा ना? फुल एग्रेसिव है, सिंगल पकड़ नहीं सकता आदमी। इसको लगता है पहली बार निकाले हो, पहली बार इतना खुला देखा। वो हफ्ते में एक बार निकलता ही है बाहर। हाँ हाँ, काश माशाल्लाह इसकी अगर भराई कर देते हैं ना भाई, 120-130 हो जाता भाई। अपन ये चाहते हैं कि मतलब मुंह से जानवर खाए उतना ही अच्छा है, भराई करना जबरदस्ती कोई मतलब नहीं, वो कुदरत से खिलवाड़ है। सही बात है, मैं जैसी जिसकी सोच रहती है। अभी किसको आपकी सोच पसंद आएंगी, किसको नहीं आती है? हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो माशाल्लाह, भिवंडी में पाले पूरा बकरा। आप देख सकते हो माशाल्लाह, भिवंडी में पला बड़ा है ये बकरा। तो भाई आपने जब खरीदे थे कोटा से खरीदे थे? जी कोटा ही से आया हुआ है। एक और था इसके साथ में, ये पिछले बकरी को मैंने दवा कर दिया। अच्छा, ये भी वो इसी वैसे ही था भाई, वो भी उसके जैसे सेम था। अच्छा, तो इसको पत्ते वगैरह देते हो, खिलाते हो? पत्ते देता हूँ। इसकी ब्रीड वगैरह लिया आपने अभी? नहीं, अभी तक ब्रीडिंग नहीं करा। कुर्बानी की नियत से ब्रीडिंग कराना सही नहीं। सही बात है। चलेगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बकरा किंगडम को, और बाजू के बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी नई वीडियोस आपको पहले मिल सकें। प्लीज़ डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू भाई। हमको बताना चाहोगे इसके बारे में?
नहीं भाई अभी क्या है तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊँ क्योंकि मैंने मेरी पर्सनल के हिसाब से रखा और कुर्बानी में के लिए रखा हुआ है। अच्छा। तो लोगों को ना इसका ना मतलब कैसा मैं इसका डाइट ज्यादा मालूम चाहिए रही थी, क्योंकि आपने इतना अच्छा बकरा पाला है, इतना 40 के इंच तक बकरा रहा है, मोस्टली बहुत रेयरली जाता है जी, तो इसको मतलब कैसा भाई मेहनत है और दूसरी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आदमी क्वालिटी वो सही देख के परचेस करे ना तो इंशाल्लाह क्वालिटी पे खरा उतरता है मेहनत करने के बाद। अच्छा माशाल्लाह। उजर भाई कैसा लगा बकरा? माशाल्लाह। मास्क पहन के बोल रहे भाई 300 रुपये भर के आया हूँ। ए तेरा मास्क किधर है? लगा के दिखा मामा को। मामा लगा के दिखा? ए मत क्या काय के लिए लगा रहे हो मास्क? ए तेरे मामू का भी 300 रुपये लिया अपना। लिया किधर है? लिया किधर होता ये हटा के बता लिया किधर है? घर पे है।